संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्रवाइयों में जो मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि उसने अनेक क्षेत्रों में 34-35 क्षेत्रों में शांति कार्रवाई की है, उसमें मुख्य कार्रवाइयों की यदि हम बात करें तो कुछ कार्रवाइयों पर आप थोड़ा नज़र डालें, और वो है उन कार्रवाइयों में एक सबसे बड़ी अहम कार्रवाई थी सिनाई। सिनाई इज़राइल से लगा हुआ एक क्षेत्र है। इज़राइल और पैलेस्टीन, फिलिस्तीन, इन दोनों के बीच में लगातार इस क्षेत्र को लेकर झगड़ा चल रहा है और ये विश्व शांति के लिए जब तक खतरा बन जाता है। तो इस क्षेत्र में पीस कीपिंग फोर्स भेजा, पहला पीस कीपिंग फोर्स जो भेजा गया था 1956 में यहाँ पर, और ये करीब 10 वर्ष यहाँ रहा इज़राइल और पैलेस्टीन के से लगा हुआ क्षेत्र सिनाई। दूसरा अफ्रीका देश, अफ्रीका में कांगो को देखिए कितना बड़ा देश है, वहाँ पर भी एक तरीके से सिविल वॉर की स्थिति आ गई थी, गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी। तो 4 वर्ष तक जून 1964 से जून 1964 तक कांगो में संयुक्त राष्ट्र का ऑपरेशन चलता रहा। तीसरा जो बड़ी घटना जिसे हम ले सकते हैं वह है 1964 में साइप्रस। साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना अभी तक बनी हुई है। देखिए साइप्रस कितना छोटा सा देश है, लेकिन युद्ध की ज्वाला वहाँ जब तक धधकती रहती है। कुछ ऐसे मामले वहाँ हैं जिसको लेकर पड़ोसी देशों के बीच में सतत रूप से झगड़ा होता रहता है। वहाँ की जो जनता है, जनता विभिन्न धर्मों की अनुयायी है, तो धर्म और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक तरीके से वह खड़ा बन गया है। तो इस साइप्रस में शांति बनाए रखने के लिए 1964 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी सेना भेजी जो आज तक वहाँ बनी हुई है। वही सेना नहीं, सैनिक बदलते रहते हैं और देशों द्वारा भेजे गए सैनिक देश भी बदलते रहते हैं। अभी 1-2 वर्ष तक भारत के सैनिक रहे होंगे अन्य देशों के साथ, 2 वर्ष बाद किसी अन्य देशों के सैनिकों को भेजा जाएगा और ये सैनिक आ जाएंगे। तो इस प्रकार रोटेशन में ये पूरा कार्य होता है, पर बड़ी बखूबी होता है। अगली घटना फिर सिनाई की है, 1973 से 1979 सिनाई में दूसरा आपातकालीन बल। जैसा मैंने बताया कि सिनाई में लगातार समस्या बनी रही, तो फिर पुनः 6-7 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स वहाँ भेजी गई। अप्रैल 1988 से 1990 तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ पर भी शांति सेना को जाना भेजना पड़ा था। 1988 से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ईरान इराक पर्यवेक्षक मिशन भेजा गया जो अब तक जारी है। इसके अलावा नामीबिया 1989 में नामीबिया में अंतरिम सहायता ग्रुप के रूप में सेना को भेजा गया। इराक कुवैत में भी 1991 से लगातार पर्यवेक्षक मिशन, जिसका काम है वहाँ की स्थिति पर नज़र रखना, इस पर्यवेक्षण के उद्देश्य से पर्यवेक्षक मिशन लगातार भेजा जा रहा है, क्योंकि इराक कुवैत की समस्या बनी हुई है। तो इस प्रकार ये कुछ उदाहरण हैं जो ये बताने का प्रयास करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पीस कीपिंग फोर्सेस ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने पीस कीपिंग फोर्स के माध्यम से, पर्यवेक्षण दलों के माध्यम से और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से उसने कैसे विश्व शांति को निभाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, और इस प्रकार ये उसकी उपलब्धियों में ये सब गिना जा सकता है। शांति सेनाओं के क्रम में सन 2000 में सायरा लियोन, देखिए भौगोलिक दृष्टि से उसकी स्थिति, छोटा देश पर शांति के लिए खतरा था,
युद्ध की स्थिति निर्मित हो रही थी, अशांति थी, तो वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो शांति सेना भेजी, उस शांति सेना में 2000 सैनिक थे और इसका संचालन करने का गौरव भारत के मेजर जनरल विजय कुमार जेटली को मिला था। मेजर जनरल विजय कुमार जेटली, इनके नेतृत्व में शांति सेना वहाँ रही। भारतीय सैनिकों की संख्या इसमें 3000 और थी। भारतीय सैनिकों ने जेटली के नेतृत्व में जो चलाया गया अभियान ऑपरेशन खुकरी, ये ऑपरेशन खुकरी के द्वारा विद्रोहियों के गढ़ से विकट प्राकृतिक अवरोधों के बावजूद 220 भारतीय सैनिक और 11 सैनिक पर्यवेक्षकों को मुक्त कराया था, वहां की अशांति की स्थिति का परिणाम था। और वहां पर सैनिकों को मुक्त कराने के अभियान में, जो जिसको ऑपरेशन खुकरी के नाम से जाना जाता है, उसमें विभिन्न तरह की दिक्कतों के बावजूद, प्राकृतिक दिक्कतों के बावजूद, विजय कुमार जेटली के नेतृत्व में फौज ने सफलतापूर्वक 11 सैनिक पर्यवेक्षकों को और लगभग 220 भारतीय सैनिकों को मुक्त कराने में सफलता पाई थी। 2001 में अफगानिस्तान में ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, आपने पढ़ा होगा ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, जो 2001 में अफगानिस्तान में चलाया गया था, तालिबान के पतन के बाद नई सरकार के पुनर्निर्माण की व्यवस्था का दौर आया। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के तहत तालिबान के प्रभाव से क्षेत्र को मुक्त किया गया था अफगानिस्तान में सन 2001 में, और तालिबानी सत्ता को, तालिबानी प्रभाव को हटाने के बाद वहाँ पर स्थायी शांति देने के लिए नई सरकार बनाकर उसे स्थायी रूप से शांति देने के लिए जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के दौर में भी संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को पंजीकृत करने का काम आयोग, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मानव अधिकार, ये सब अपने अपने तरीके से विश्व शांति में अहम भूमिका निभा रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता के विभिन्न पन्ने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस प्रकार जो विभिन्न कार्य किए गए हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक में, राजनीतिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, ये बड़े सराहनीय प्रयास रहे हैं। और इसी के साथ साथ विश्व शांति के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को कतई नकारा नहीं जा सकता। पहले जो राष्ट्र संघ बना था 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उसकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह दो वर्षों बाद ही लगने लगा था। लेकिन ये संस्था जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, जो राष्ट्र संघ के कड़वे अनुभवों के मद्देनजर रखते हुए एक तरीके का सुधार का रूप था, निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 75 वर्षों में बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं। इसी के कारण विश्व शांति बनी हुई है, तृतीय विश्व युद्ध टला हुआ है और किसी भी तरह के बड़े युद्ध से मानव जाति की रक्षा हुई है। मैंने जैसा आपको बताया, संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताओं असीमित हैं। सफलताओं को लेकर मैंने आपको लंबी फेहरिस्त दी, लेकिन साथ ही मैंने कहा था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सफलताएं तो कुछ असफलताएं भी लगी होंगी। दुर्भाग्यवश संयुक्त राष्ट्र संघ को कुछ क्षेत्रों में असफलताएं भी हासिल हुई, और उनमें कुछ ऐसे बड़े मामले थे जहां पर असफलता के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ पर ही प्रश्न उठने लगा था। आखिर ऐसी कौन सी असफलताएं हैं जो हमारे लिए अध्ययन के मद्देनजर महत्वपूर्ण है? कुछ असफलताएं, कुछ उनकी
खामियों की ओर हम थोड़ा, और ये असफलताओं के कारण क्या थे इसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम मात्र अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करें कि उनकी असफलताएं कौन कौन सी थी। तो बिंदुवार यदि हम चलते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता, उनकी असफलताओं की बात करें तो सबसे बड़ा पहला कारण ये मान सकते हैं कि उसकी प्रभुसत्ता पर लगातार प्रश्न चिन्ह उठता है। किसकी प्रभुसत्ता पर? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रभुसत्ता पर। संयुक्त राष्ट्र संघ दुर्बल दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि राष्ट्र की प्रभुसत्ता सर्वोपरि है, राष्ट्र के ऊपर कोई नहीं, हर राष्ट्र सार्वभौमिक है। और ये भावना जहां एक ओर बिल्कुल सही है, इसका खामियाजा संयुक्त राष्ट्र संघ को भुगतना पड़ता है, वो उनके सामने निर्बल दिखाई देता है, थोड़ा कमजोर दिखाई देता है। संघ के निर्णय एक तरीके से सुझाव ही माने जा सकते हैं। संघ कानून बनाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कानून बनाए, पारित किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत सारे आदेश दिए। ये आदेश और कानून कई बार देखा गया है कई देशों के द्वारा मात्र एक सुझाव के रूप में देखा जाता, कानूनन उस पर अमल नहीं किया जाता। और यदि कानूनन अमल नहीं किया जाता तो संयुक्त राष्ट्र संघ अपने को कमजोर पाता है ऐसे देशों पर कार्रवाई करने में। सदस्य राष्ट्रों को छूट हो जाती है कि वो इस कानून को स्वीकार करें या ना करें, इस मुद्दों को, इस निर्णय को स्वीकार करें या ना करें या उसे ठुकरा दें। महासचिव को शक्तियों का भी समुचित रूप से कई बार भान नहीं रहता। जो महासचिव की जो शक्तियां हैं, जिसे हम डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, उसकी शक्तियों का भी कई बार भान नहीं रहता, कई बार उस पर ही प्रश्न चिन्ह उठने लगते हैं। आखिर महासचिव की शक्तियां क्या हैं? ऐसे कौन से दायरे हैं, कौन से क्षेत्र हैं जिस पर वह पूर्ण रूप से आधिकारिक स्तर पर कार्रवाई कर सकता है, वो भी अभी तक परिभाषित नहीं हो पाया है, निश्चित नहीं हो पाया है। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है उसकी। किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसके दुर्बल होने की। उसकी असफलता का दूसरा कारण, संयुक्त राष्ट्र संघ में आत्मरक्षा और आक्रमण के बीच भेद स्पष्ट नहीं है। आत्मरक्षा और आक्रमण, भारत कल्पना करिए एक फौजी कार्रवाई करता है पाकिस्तान के खिलाफ। अब वह कार्रवाई आत्मरक्षा के रूप में देखी जाए या आक्रमण के रूप में देखी जाए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यदि आक्रमण है तो संयुक्त राष्ट्र संघ पर का नजरिया अलग रहेगा, और यदि वह आत्मरक्षा के लिए भारत ने हमला किया है या आत्मरक्षा के लिए भारत ने सैन्य कार्रवाई की है तो संयुक्त राष्ट्र संघ का नज़रिया अलग रहेगा। तो जो दूसरी दिक्कत संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने है या संयुक्त राष्ट्र संघ के मामले में है, वो है कि आक्रमण और आत्मरक्षा के बीच की लक्ष्मण रेखा स्पष्ट नहीं हो पाई है। किसे हम आक्रमण कहें और किसे हम आत्मरक्षा के लिए की गई सैनिक कार्रवाई कहें। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आक्रमण का तात्पर्य शक्ति का अवैधानिक प्रयोग, शक्ति का अवैधानिक प्रयोग, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आक्रमण कहलाता है। परंतु शक्ति का अवैधानिक प्रयोग है क्या? कौन सा प्रयोग वैधानिक माना जाएगा विधि के अनुसार, कानून के अनुसार, और कौन सा आक्रमण गैर कानूनी माना जाएगा? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये प्रश्न जो है कि शक्ति का अवैधानिक प्रयोग क्या है, इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला है। ये अनुत्तरित है और ये मुद्दा सदैव विवादास्पद ही बना हुआ है। ऐसे बहुत से उदाहरण गत 100 वर्षों में, गत 70 वर्षों में देखे जा सकते हैं, जब संयुक्त राष्ट्र संघ के ही प्लेटफॉर्म में
खासकर सुरक्षा परिषद के अंदर इस बात को लेकर सदस्य देशों के बीच में बहुत विवाद हुआ है कि किसी एक देश के द्वारा की गई कार्रवाई क्या रक्षात्मक थी या आक्रमण था। भारत का पाकिस्तान पर हमला, पाकिस्तान का भारत पर हमला, अन्य देशों के मामले में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो सैनिक कार्रवाइयां हुई, इराक द्वारा कुवैत पर हमला और बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें यह समझना मुश्किल है कि यह आत्मरक्षा के लिए था या आक्रमण था। संयुक्त राष्ट्र संघ में सिद्धांतों का भी विरोधाभास रहा है, प्रिंसिपल्स, विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास। एक ओर राज्यों के समान अधिकार एवं समान प्रभुसत्ता की बात कही गई है तो दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र संघ में राज्यों की संप्रभु असमानता का भी उल्लेख है। संप्रभु असमानता, संप्रभु में सार्वभौम, सॉवरेन, जैसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों का मुद्दा है। इस बात को आप समझ लें कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा इश्यू है। ये विरोधाभास की जब बात कर रहे हैं तो इसमें साफ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्पष्ट करता है कि सभी राष्ट्र समान हैं, एक हैं, एक जैसे अधिकार हैं, चाहे वे बड़े राष्ट्र हों चाहे छोटे हों, चाहे शक्तिशाली राष्ट्र हों चाहे कमज़ोर हों, चाहे आर्थिक दृष्टि से मजबूत राष्ट्र हों चाहे आर्थिक दृष्टि से निर्धन हों, चाहे वो एशिया महाद्वीप में हो या अमेरिका महाद्वीप में हो, सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ में एक ही अधिकार रखते हैं, समान अधिकार रखते हैं। एक ओर जहाँ ये बात कही जाती है, वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था है सुरक्षा परिषद, वहाँ पर 5 स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय इस बात का है या विरोधाभास इस बात पर है कि इन स्थायी सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। विशेषाधिकार, ये विशेषाधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार है वीटो का अधिकार, जिसका पूर्व में जिक्र किया जा चुका है, आगे भी इसके बारे में चर्चा होगी। वीटो का अधिकार, निर्विवाद रूप से ये विशेषाधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी कमजोरी है। बात स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सिद्धांत और उद्देश्यों का जो वर्णन है, लेकिन कहीं भी न्याय, अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, ऐसे चीज़ों की व्याख्या नहीं है। इन सिद्धांतों का परिभाषित ना होना, इसकी उचित व्याख्या ना होना, न्याय, अंतर्राष्ट्रीय कानून, इन मामलों में कुछ कुछ विरोधाभास होना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की ताकत को कमज़ोर बनाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पैनेपन को थोड़ा सा कमज़ोर कर देता है। और इसीलिए बारंबार इन सिद्धांतों के विरोधाभास को लेकर भी समय समय पर विवाद होते रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। अगला बिंदु जो संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोरी का कारण है, वह है संयुक्त राष्ट्र संघ के घरेलू क्षेत्राधिकार, घरेलू क्षेत्राधिकार पर किसी तरह की व्याख्या न होना। घरेलू मामले क्या हैं? किसी देश के अंदर कुछ एक घटना होती है जिसे विश्व के कुछ राष्ट्र शांति के लिए खतरा समझते हैं,
कल्पना करें उस स्थिति की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका रहेगी? क्या वह तब तक मूक दर्शक बना रहेगा जब तक कि संबंधित देश द्वारा उसे आमंत्रित नहीं किया जाता? या क्या वह स्वयमेव इस मामले में संभावित शांति के खतरे के मद्देनजर दखल देगा? और यदि वह ऐसा करता है तो संभावना है कि विश्व के बहुत से देश और ये प्रभावी देश स्वयं अंदरूनी मामले में दखल का आरोप लगाएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ पर, घरेलू मामले में दखल का आरोप। हम कहते हैं ना, ये घर का मामला है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। कौन सा घर का मामला है और कौन सा बाहर का, इसकी परिभाषा भी स्पष्ट नहीं है। कब जाने कौन सा घर का मामला स्नोबॉल होकर विशाल रूप ले ले और आसपास के पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर दे, शांति के लिए खतरा हो जाए, उस समय फिर संयुक्त राष्ट्र संघ पर पुनः दोष आता है कि उसने कोई कार्रवाई नहीं की, विलंब कर दिया। तो ये बिंदु बड़ा अहम है कि घरेलू क्षेत्राधिकार, घरेलू मामला, अंदरूनी मामला, इसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि घरेलू क्षेत्र की ये मामला घरेलू है या गैर घरेलू है, इसे भी कौन निश्चित करेगा, कौन बताएगा कि ये वाला मामला घरेलू है या गैर घरेलू। भारत का ही उदाहरण लें, कश्मीर का मामला भारत की नज़र में घरेलू मामला है, लेकिन पाकिस्तान सतत रूप से विश्व के विभिन्न मंचों में और संयुक्त राष्ट्र संघ के मंचों में कश्मीर का मुद्दा उठाकर उसे एक अंतर्राष्ट्रीय मामला बताता है, और अंतर्राष्ट्रीय मामला बताते हुए वह संयुक्त राष्ट्र संघ का दखल चाहता है। यहाँ एक बड़ी समस्या है, भारत के लिए वो घरेलू मामला है। कश्मीर के अंदर जो भी घटनाएं हो रही हैं वह भारत का घरेलू मामला है, जैसे पाकिस्तान के अंदर हो रही घटनाएं पाकिस्तान का घरेलू मामला है। भारत इस बात को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन कई बार घरेलू मामले की सीमा टूट जाती है, समस्या लक्ष्मण रेखा से बाहर आ जाती है और ऐसी स्थिति में समस्या बढ़ जाती है। इस संबंध में महासभा के निर्णय जो हैं वे गुटबंदी के शिकार हो जाते हैं। महासभा के कुछ सदस्य किसी एक घटना को घरेलू मामला मान के उसे दबाने की कोशिश करते हैं, तो दूसरे सदस्य उसे अंतर्राष्ट्रीय मामला बनाते हुए तिल का ताड़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार ऐसे कई मौके आए, ऐसे कई उदाहरण हैं जब घरेलू क्षेत्राधिकार के नाम पर संयुक्त राष्ट्र संघ कई बार बट गया, सदस्य राष्ट्र कई बार बट गए, महासभा में कई बार तीखी नोक झोंक हुई, वस्तुस्थिति के आधार पे बातचीत नहीं हुई, समस्या मुद्दे को लेकर वस्तु स्थिति को लेकर निष्कर्ष नहीं लिए गए, बल्कि गुटबाजी के आधार पर कई बार कार्रवाई हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हावी होने लगती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में घरेलू क्षेत्राधिकार और हस्तक्षेप का एक खास अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में, इंटरनेशनल लॉ में, घरेलू क्षेत्राधिकार और हस्तक्षेप का खास अर्थ है, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ में ये एक पक्का राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक विषय बना हुआ। जैसा मैंने कहा, कुछ देश किसी मामले को घरेलू मामले में दखल के रूप में देखते हैं, कुछ देश किसी मामले को किसी अन्य रूप में देखते हैं, क्योंकि वो सब अपने अपने गुटबंदी के शिकार हैं, अपने अपने नज़रिए से देखते हैं, विश्व शांति के नज़रिए से ना देख करके अपने राजनीतिक लाभ
की दृष्टि से जब देखना शुरू करते हैं तो घरेलू क्षेत्राधिकार वाला मामला या उसके साथ ही क्षेत्राधिकार के अलावा उसके बाद हस्तक्षेप का मामला, ये स्पष्ट नहीं हो पाता, अधूरा रह जाता है। विशुद्ध राजनीतिक मामला बनके ऐसे सारे मामले निपटा दिए गए हैं, दबा दिए गए हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ अपने को ऐसे मामलों में बड़ा कमज़ोर पाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, 193 देश उसके सदस्य हैं, यानी 193 परिवार समझ लें हम, और हर परिवार की अपनी विचारधारा है, अपनी परंपरा है, अपनी सोच है, अपनी शैली है, अपनी भूमिका है, अपनी सीमाएं हैं आदि आदि। इन सब के मद्देनज़र रखते संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर सबको एक रूप मान के चलना गलत होगा। विचार मतैक्य तो होगा ही, विचारों में मतभेद होगा ही कई बार। संयुक्त राष्ट्र संघ के वाद विवाद, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्लेटफॉर्म में होने वाले जिरह और निर्णय, ये कई बार पक्षपातपूर्ण मालूम होते हैं। तो अगला बिंदु, यदि हम कमजोरी के कारणों की चर्चा करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कमजोर होने का एक कारण है, अधिकांश समस्याएं शक्ति की राजनीति के द्वारा होती हैं। शक्ति की राजनीति, ताकत, जैसे सरल भाषा में जिसे बोलते हैं जिधर बम उधर हम, जिसके पास पैसा वह शक्तिशाली। तो विकसित देश बड़े शक्तिशाली हैं और इन विकसित देशों के पिछलग्गू देश उनके साथ लगे रहते हैं, भले ही वे अपनी रोटी सेकना चाहते हो वहाँ, भले ही उससे उनका स्वार्थ पूरा ना हो रहा हो। परिणाम क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वाद विवाद हैं और वाद विवाद जिरह एक तरफ, जो निर्णय भी हैं वे पक्षपातपूर्ण लगते हैं या महाशक्तियों के दबाव से प्रभावित हुए लगते हैं, महाशक्तियों के दबाव से प्रभावित। अधिकतर जो समस्याएं हैं वो शक्ति की राजनीति में फंस जाती हैं। एक होता है ना रस्सी खींच प्रतियोगिता, तो एक तरह से रस्सी खींच प्रतियोगिता की तरह विश्व के राष्ट्र दो खेमे में बंटने लगते हैं और रस्सी खींचते हैं, निर्णयों को प्रभावित करते हैं और जो असली मुद्दे हैं वो हट जाते हैं, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रतिष्ठा है उस पर ठेस पहुंचती है। संयुक्त राष्ट्र संघ हेल्पलेस, दयनीय दिखाई देता है, संयुक्त राष्ट्र संघ कमजोर दिखाई देता है। अगला बिंदु, संयुक्त राष्ट्र संघ निषेधकाधिकार के निषेधाधिकार यानी वीटो, वीटो को अंग्रेजी में हिंदी में निषेधाधिकार कहते हैं, निषेध का अधिकार। पिछले 70 वर्ष के काल में अनेकों बार इन 5 स्थायी सदस्यों के द्वारा निषेधाधिकार का उपयोग हुआ। 5 सदस्य कौन हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और जर्मनी। अब देखिए ये जो राष्ट्र हैं इन्होंने स्थायी सदस्यता अपने स्वयं को दी है और ऐसा करते हुए ना अपने स्वयं को निषेधाधिकार का विशेष अधिकार दिया हुआ है। आपको मालूम होगा कि वीटो के मायने क्या हैं। एक लाइन में मैं पुनः बता दूं, वीटो अर्थात विश्व जनमत को एक तरफ ताक में रखकर यदि आप उस जनमत के खिलाफ हैं तो विश्व जनमत की कोई कद्र नहीं। मेजॉरिटी कुछ भी कहे,
मेजॉरिटी का कुछ भी निर्णय हो, यदि इन पांच राष्ट्रों में से किसी भी एक राष्ट्र ने इस मेजॉरिटी के निर्णय को खारिज कर दिया तो वो पूरा निर्णय ही खारिज कर दिया जाएगा, माना जाएगा। ऐसा अनेकों बार संयुक्त राष्ट्र संघ में, सुरक्षा परिषद में हुआ है। इस विशेष अधिकार का, इस निषेधाधिकार का बहुत बार दुरुपयोग हुआ है। स्थायी सदस्य किसी भी उचित लेकिन विरोधी दावे को वीटो के प्रयोग से अमान्य ठहरा देते हैं। अजीब स्थिति यह है कि कोई एक महाशक्ति शेष सदस्यों की इच्छाओं को कुचल दे, यहाँ तक कि महासभा की इच्छा को भी कुचल दे। ये एक बहुत बड़ी बात, ये एक बहुत अजीब स्थिति है। महासभा 193 नेशंस का प्लेटफॉर्म, उसमें यदि 192 देश भी किसी बात पर सहमत हैं, लेकिन 193वां देश यदि इन पांच में से कोई एक है तो उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा, 192 का निर्णय नहीं। यही तो निषेधाधिकार का प्रभाव है। ये निषेधाधिकार इन महाशक्तियों ने अर्जित किया है और सदस्यों की इच्छाओं को कुचल सकता है, महासभा की इच्छा पर भी कुठाराघात कर सकता है। और ऐसी घटनाएं बहुत बार हुई हैं, और जब जब ये हुई हैं उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ अपने को असहाय महसूस करता नजर आया है। अगला कारण कमजोरी का, जैसा मैंने कहा, जिधर बम उधर हम। यदि मेरे पास सेना नहीं है तो बिना सेना के मेरी बात मनवाना किसी राष्ट्र पर थोड़ा कठिन काम है। कहने को तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र इस बात के लिए बाध्य हैं कि वे जरूरत पड़ने पर संयुक्त राष्ट्र संघ को आवश्यकता अनुसार अपनी फौज, अपने सैनिक दें। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये एक तरीके से अनुरोध है, सुझाव है, बाध्य नहीं है। दूसरा, जब ये पीस कीपिंग फोर्स बनाया जाता है तो पुनः ये महाशक्तियां हावी हो जाती हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी अलग से सेना नहीं होना उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की आपात स्थिति यदि आती है, एमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो उससे निपटने और आदेशों का उल्लंघन करने वाले राष्ट्र के प्रति प्रभावपूर्ण सैनिक कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं कर पाता। जब तक वो कार्रवाई करता है तब तक कई दिन निकल जाते हैं और घटना कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है। तात्पर्य कहने का यह है कि खुद की सेना ना होना संयुक्त राष्ट्र संघ के दांतों को, उसके पैनेपन को बोथरा कर दिया है। उसमें वो शार्पनेस नहीं, उसकी निर्भरता बनी हुई है सदस्य राष्ट्रों की फौज पर। और कहने को तो सच्चाई तो ये है कि सदस्य राष्ट्रों की फौज पर उतनी निर्भरता नहीं जितनी कि स्थायी देशों की, स्थायी सदस्यों की सहमति पर। बहुत सारे दांवपेच खेले जाते हैं, बहुत पैंतरे बदले जाते हैं, राजनीतिक खेल खेला जाता है, और कई बार सुरक्षा परिषद का मंच एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अखाड़ा दिखाई देता है। और ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है, जब खुद की सेना ना हो तो उल्लंघन करने वाले राष्ट्र, कानून का उल्लंघन करने वाले राष्ट्र के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई नहीं कर पाता। ये एक उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। और कारण सैनिक ना होना, सेना ना होना। अगला कारण, अगला कमजोरी का कारण है कि भावनाएं। कितना भी विश्व छोटा हो गया हो, वैश्विक ग्राम बन गया हो,
संचार माध्यमों के माध्यम से वहाँ आवागमन के जरिए कितना भी विश्व छोटा हो गया हो, लेकिन ये सभी राष्ट्र अभी भी अपने राष्ट्र प्रेम की भावना से ऊपर नहीं जा पाए हैं। इन सब देशों के लिए राष्ट्र अभी भी अहम है। परिणाम क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय भावना का अभाव, अंतर्राष्ट्रीय भावना का अभाव, राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीयता के स्तर पर अभी वर्तमान समाज नहीं जा पाया है, इसमें कोई दो मत नहीं। सभी देशों के लिए, सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। राष्ट्र के हित को अधिक महत्व दिया जाता है, बशर्ते कि विश्व शांति के हित को, और इसलिए इस भावना ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ को कमजोर बनाए रखा है। जरूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रदरहुड, इंटरनेशनल फ्रेटरनिशम, फ्रेटरनिटी, अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना बढ़े, राष्ट्र भावना उस हद तक थोड़ी कम हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति को ज्यादा हित में रखते हुए कार्य किए जाएं। ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक संयुक्त राष्ट्र संघ अपने को कमजोर पाता रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो असफलताएं हैं वो मूल रूप से उसके ढांचे में कुछ कमजोरियों के कारण है, और ढांचे में कमजोरियां जो हैं उसमें सुधार कई कारणों से नहीं हो पा रहा है। एक और ढांचे की कमियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को कमजोर रखा है, वहीं कुछ घटनाक्रम भी ऐसे हो जाते हैं जो कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ को परेशान कर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ इन घटनाक्रमों के माध्यम से कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने सफलता की, उपलब्धियों की एक अच्छी मिसाल पेश की है।